से मानस तहसील में रेत माफियों के खुलेआम राजपाट देखने को मिल रहा है और बिना रॉयल्टी के रेत डंपर और ट्रेलर खुले रूप से दिन रात सड़क किराने खाली हो रहे हैं। प्रशासन कोई अहम कार्रवाई नहीं कर रही है। इसे देखते हुए कांग्रेस नेता सम्राट दीक्षित ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रामपुरा में रेत माफियाओं पर लगाम नहीं लगाई गई तो कांग्रेस पार्टी के बैनर तले उग्र आंदोलन किया जाएगा और जो मनासा तहसील में रेत माफियाओं के ठेकेदार बने हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जब से आज 3 महीने से अधिक हो गया समय हो गया है, भाजपा की सरकार जब से बनी है तब से जो है ये गिरोह सक्रिय हुआ है और ये गिरोह का जो सरगना है हर विधानसभा क्षेत्र में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक एक सरगना बना दिए और वो सरगना जो है अवैध खनन कर और लूट कर रहे हैं, शासन को लाखों का राजस्व की लूट कर रहे हैं, इस टाइप का अवैध खनन कर रहे हैं। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये जो परिपाटी है ये इनके मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने इनको सिखाई है। चाहे वहाँ से लेकर भोपाल से लेकर मनासा तक सभी जगह लूट चल रही है। अभी तकरीबन 20 से 25 डंपर ट्रेलर पर डे बालू रेत के यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा है कि सभी जो है बिना रॉयल्टी के आ रहे हैं और ये बड़ी लूट जो है लोग कर रहे हैं। कांग्रेस हम परिवार से, कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों से, हमारे पदाधिकारियों से सबसे बात कर वो जल्द उग्र आंदोलन करवाएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे। और रही बात मनासा MLA की, तो मनासा ये महाशय को तो फुर्सत ही नहीं है कि भाई क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दे, कभी कोई जनता की तरफ ध्यान दे के लोगों से जाकर उनकी समस्या सुने। इतनी बड़ी पहले भी रामपुरा में एक भीषण त्रासदी आई है, तब भी ये महाशय गायब थे, तब भी इतने आगे किसी की सुध नहीं ली और निश्चित रूप से इसका परिणाम जो है बहुत जल्द आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनको जवाब देगी। उसके पहले खैर वैसे तो वो है ही सही, वो तो जवाब विधानसभा चुनाव में देंगे, लेकिन अभी जो है इस खनन को लेकर हम जो है बहुत जल्द आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, रूपरेखा बना रहे हैं और वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात कर बिल्कुल उग्र आंदोलन करेंगे और इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे।